स्वच्छ बेटी, स्वच्छ बेटी, स्वच्छ बेटी, स्वच्छ बेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। आपने आज तक कई बैंकों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं पेट बैंक के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेट बैंक क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये पेट बैंक महिला लड़कियों को पीरियड्स के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है। ये पैड बैंक उन महिलाओं और लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड देता है जो पैड खरीद नहीं पाती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में 18% महिलाएं और लड़कियां पैड इस्तेमाल करती हैं। जो पैड इस्तेमाल नहीं करती, वो कपड़ा, राख और घास फूस का इस्तेमाल करती हैं। ये सब पीरियड के समय इस्तेमाल करने पर कई महिलाएँ बीमार भी हुई हैं, तो कई ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हैं। पैड बैंक गांव स्कूल जा जाकर महिलाओं और लड़कियों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कपड़ा इस्तेमाल करने से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पैड बैंक की शुरुआत बरेली से हुई। अक्षय कुमार की फिल्म पैड मैन को देखकर बरेली के वीर सावरकर कॉलोनी के रहने वाले BCA की स्टूडेंट चित्रांश सक्सेना इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पैड बैंक बनाने की ठानी और पैड बैंक खोलकर इसकी शुरुआत कर दी। डेला पीर के पास वीर सावरकर नगर चौराहे पर इस बैंक को खोला गया है। इस ग्रुप में लगभग 15 लोग हैं, जिसमें स्टूडेंट से लेकर नौकरी करने वाले लोग भी शामिल हैं। चित्रांश का कहना है कि मैं हमेशा से लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहता था। मैं चाहता था कि इस समाज को कुछ दूं। पैड मैन फिल्म देखने के बाद लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर पैड मैन की कहानी ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और मुझे लगा कि समाज में पीरियड से जुड़ी नेगेटिव बातों को दूर करना चाहिए। इसी ग्रुप के मेंबर शिल्पी सक्सेना ने दी इंडियन एस से बातचीत की। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हाय, मैं हूँ शिल्पी सक्सेना, एक बहुत ही प्राउड मेंबर टीम पैड बैंक की। प्राउड इसीलिए क्योंकि आज भी हमारे समाज में पैड या फिर पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना एक टैबू समझा जाता है। लोग नज़रें चुराते हैं जब भी हम पीरियड्स का जिक्र भी कर देते हैं उनके सामने। इतनी सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, इस बारे में बात ना करने की वजह से बहुत सारी बड़ी बीमारियों का भी ये कारण बनता है। इवन कैंसर जैसी बीमारियाँ अनअवेयर होने की वजह से फैल सकती हैं। तो हम लोग बेसिकली एज अ पैड बैंक हम क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मेनली स्लम एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं होती है, उन्हें हम लोग फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एडुकेट भी करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, जिससे वो पैड्स को यूज़ भी करें और साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य का और साथ ही एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें। इस बैंक में लड़कियों को एक पासबुक दी जाती है। इस पासबुक के जरिए लड़कियाँ मुफ्त में सैनिटरी पैड पा सकती है। हर महीने 8 सैनिटरी पैड पहुंचाए जाते हैं। अभी तक 148 लड़कियों को इस पैड बैंक से जोड़ा जा चुका है। इस पहल से महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है और अब महिलाएं और लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने लगी है। हम लोग स्लम एरियाज़ में जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही कम अवेयर हैं इस बारे में। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पैड्स खरीद सकें। पैसे होते भी हैं तो उन्हें जानकारी नहीं है कि पैड्स क्यों यूज़ करने हैं। कई गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं जो उन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, तो वो जानकारियाँ उन तक हम पहुँचाते हैं और साथ ही साथ वो लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अब हम लोग लगभग बहुत से लोगों से जुड़ चुके हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखती थी, जो कि स्लम्स में रहती थी। रूरल एरियाज़ का क्या होता है, वहाँ पे लोगों पे पैसा है, उनके घर में ज़रूरत के सारे सामान हैं, लेकिन वो पैड्स नहीं खरीदते। वो लोग अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का विशेष ध्यान नहीं रखते क्योंकि जानकारी का अभाव है उनके पास। चित्रांश कहते हैं कि जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी तो लोग उन पर हंसते थे और अब वही लोग हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही उनकी सफलता है। यहाँ पैड बैंक समाज की पिछड़ी और गरीब महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड देकर जो काम कर रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।